अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं सोनू अहमद का चैनल। मैं आप लोगों का होस्ट सोनू अहमद, और आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहुँचेगी। लाइक करें, शेयर करें। ब्रेड बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स वो कुछ ये हैं। मैदा मेरे पास है 1/2 किलो, ऑयल मेरे पास है 1 टेबल स्पून, अंडा मेरे पास है 1 गज़, जो कि हम आधा डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है अंडा डालना तो आप डाल लें, अदरवाइज रहने दें, छोड़ दें इसको। और साल्ट मेरे पास है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास शुगर है, 10 ग्राम्स मेरे पास यीस्ट है, एंड 50 ml मेरे पास है मिल्क। आप मिल्क यूज़ कर लो या ड्राई मिल्क यूज़ कर लो, अगर आपने मिल्क की तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क है। ओके सो, और हम इसको जो पानी यूज़ करेंगे, इसमें हम आजकल सर्दी हैं तो इसलिए लिहाज से हम पानी को नीम गर्म पानी यूज़ करके इसको अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आटे को मैंने आपको पिज्जे की जो डो मैंने एक बार लास्ट दफ़ा आप लोगों को बताया था, सिंपल वही मेथड है इसका, कोई डिफरेंट नहीं है। ये हम ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, सॉल्ट चला गया, शुगर, ये यीस्ट। आप इसको पानी में भी डिजोल्व कर सकते हैं, बट मैंने सभी इकट्ठा कर दिया हुआ है। अंडा मेरा आधा जाएगा, मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, जो इसको ऊपर मैं ब्रशिंग करूंगा इसके साथ अंडे की बैट के ऊपर। अब हम इसको पानी के अंदर डालकर इसको हम नीम आम जो आटा होता है हमारा, उसकी तरह हम इसको गूंद लेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से इसको डो को गूंद लिया था। गूंदने के बाद मैंने इसको राउंड बाउंड इसकी मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको रैप पेपर से, सीलिंग पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसको रेस्ट देंगे, कम से कम 45 मिनट इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि आजकल सर्दियाँ, तो आप नीम गर्म पानी से इसको गूंद लीजिएगा। चिकन के लिए जो इंग्रीडियंट्स हैं कुछ ये हैं। चिकन मैंने लिया कम से कम 100 ग्राम्स, 50 से 70 ग्राम्स मेरे पास है ऑनियन, एक ऑनियन था उसको मैंने चॉप कर लिया, ये गाजर है इसको मैंने श्रेड कर लिया था, अदरक लहसुन का मैंने उसको कद्दूकस के अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया था, और ये जो शिमला मिर्च है मेरे पास, कैप्सिकम, इसको मैंने इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर दिया था आपको जो अच्छा लगे। और ये मेरे पास है सोया सॉस और इनके चिली सॉस को, और 2 से 3 कतरे जो थे मेरे सोया सॉस के इसमें ऐड किए थे, और मैंने इसमें गार्लिक कैचअप ऐड करके, ये कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून है मेरे पास की। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेशन करने के बाद साथ साथ आपको बताता चाहूँ। सबसे पहले मैंने इसमें चिकन ऐड करना है, चिकन को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, बिकॉज हमने व्हाइट सॉस में चिकन ऐड बनाना है, तो मैंने इसको सिर्फ मैं व्हाइट सॉस में मैं टिक्का चिकन बनाऊंगा, इसका ये इनके फ्लेवर दूंगा। इसके बाद मैंने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, और दरी जो मिर्च होता है दरा मिर्च उसका भी मैंने लिया है 1 टीस्पून लिया है मैंने, अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप अपना हिसाब इसको फ्लेवर ऐड करते हैं। मैं सॉसेज जो वाइट सॉस होगा उसमें भी ऐड करूँगा, ये थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर है ये मेरे 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, ये मेरा जो चिकन है वो मैरिनेट हो गया। अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट दे देंगे। इनको जो चिकन था वो मेरा मैरिनेशन हो चुका हुआ है, एक पैन के अंदर मैंने फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, ऑयल का भी जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद मैंने उसको कवर कर देना ताकि वो स्टीम के अंदर पक जाए। मैंने चिकन जो है वो अपना ऐड कर दिया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा हल्की सी स्टीम पे इसको हल्का सा पकने देंगे, पकने के बाद ये इसके छोटे छोटे रेशे हो जाएंगे, रेशे करने के बाद फिर हम इसको व्हाइट सॉस के अंदर अपना सारा कुछ पकाएंगे। ये हमारा जो चिकन है वो चिकन से पक रहा है, साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना ये अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर दोबारा इसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। चिकन को मैंने जो आपको मैंने बताया था जिसमें मैंने फ्राई करके उसको मैंने भून कर उसको अच्छी तरह से मैंने श्रेड कर लिया, श्रेड इनके नाइफ के साथ उसको मैंने चॉप किया था। चॉप करने के बाद ये लुक नजर आई, और जो वेजिटेबल थे इनके ऑनियन, कैप्सिकम एंड कैरेट, इनको मैंने मिक्स करके इसको मैंने सिर्फ फ्राई किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्राई करके आपको इसलिए नहीं था दिखाया क्योंकि टाइम वीडियो जो होती है वो लेंथी हो जाती है, सो लिहाजा मैंने इसको सिर्फ फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ है। अब हम चलते हैं अपनी वाइट सॉस की तरफ। 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, बटर के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ऐड करना है,
व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम इसको अच्छी तरह से पहले ये जब मैं जैसे अच्छी तरह से ये भून जाएगा तो हम इसके अंदर एक गिलास दूध का ऐड करेंगे, हल्का हल्का करेंगे थोड़ा सा ऐड करके, फिर हम इसमें मेल्ट करेंगे ताकि इसमें जो गुटलियाँ होती हैं वो नहीं बनेंगी, ठीक है। एकदम से अगर आप दूध डालेंगे तो वो गुटलियाँ बन जाएंगी, फिर आपकी सॉस जो है वो एक अच्छी उसकी लुक नहीं आएगी, एक अच्छी वो उसकी थिकनेस नहीं आएगी, ओके। तो आप स्लोली स्लोली इसके अंदर मिल्क ऐड करते जाइएगा। ये आप देख सकते हैं व्हाइट सॉस मेरी जो है रेडी हो गई, मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं किया, इसको ज़्यादा हल्का हल्का से मैंने थोड़ा सा पतला रखा बिकॉज इसमें चिकन ऐड होगी और वो अगर उसको डाल के फिर हम इसको साथ पकाएंगे। तो अब ये जो है ये तो हो गई है, तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने मिक्स हर्ब, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने मिक्स हर्ब यूज़ किया, और ओरिगानो हम यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून के लिए, इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। इसके अंदर मेरे वाइट पेपर यूज़ किए हैं 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है सॉल्ट इसमें। बस हम इसको ऐसे ऐसे पका लेंगे, मिक्सिंग करेंगे, और अपने अंदर वो हम अपने जो चिकन है और वो जो वेजिटेबल थे हम वो उसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने तो आप अपनी मर्जी से सॉसेस को भी स्पाइसी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर दिया, चिकन ऐड करते साथ ही मैंने अपने वेजिटेबल जो थे वो ऐड कर दिए इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन है वो हमारा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीज ऐड करेंगे, वो भी चैडर, ठीक है। कौन सी चीज ऐड करेंगे? चैडर। इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चैडर चीज ऐड किया है। आप जब सॉस बनाएं तब भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में ऐड किया ताकि इसके अच्छी से जो है ना वो ज़्यादा वो जमेगी नहीं, एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये हमारा अब चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको अगर आपका अगर वो देख सकते हैं आपको ये राइस हो चुकी है, अब हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद मैं इसको मैदे के साथ डस्ट करके दोबारा इसको बेल के फिर मैं इसको दोबारा थोड़ी देर स्टे करने के लिए छोड़ दूँगा। करने के बाद फिर मैं इसकी ब्रेड बनाऊँगा। रोटी को मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने चिली सॉस और सोया सॉस केचप जो थी वो मैंने उसका जो मिक्सचर पेस्ट में था वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। लगाने के बाद मैं अपना चिकन इसके ऊपर ऐड करूँगा। चिकन जो है वो भी मेरा ऐड हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने ऐड करनी है चैडर चीज़। आप मुजरेला कर सकते हो, चैडर चीज़ करो जो आपको लाइक है। इस तरह से मैंने ये इस पर चैडर चीज़ अच्छी तरह से लगा दी। लगाने के बाद क्या करेंगे हम इसके ऊपर मेरे ऑलिव्स लिए थे वो हम लगाते जाएंगे इससे। ठीक है, कट लगा लिए थे मैंने, ठीक है। हम इसको कवर करते जाएंगे ब्रेड को। जी मैंने इस तरह से इसको कवर करते जाना। अब हम इसको अंडा, मैंने अंडे के अंदर कलर ऐड किया था वो हम इसके ऊपर ब्रश ही कर देंगे, सारा अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसके ऊपर सफेद जो तिल होते हैं वो हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे ऐसे। आप इसके ऊपर कलवंजी भी ऐड कर सकते हो, कलवंजी और सफेद तिल या ब्लैक जो तिल होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। ले हम आप इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट तक इसको बेक करेंगे।